आपको एक मिनट में हम बताते हैं कैसे चीन के साथ तनाव के बीच सरकार को मिला है विपक्ष का समर्थन। भारत चीन तनाव के मुद्दे पर संसद में सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक एक घंटे से ज्यादा देर तक चली, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू और डीएमके समेत कई दल शामिल हुए। केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों को एलएसी के हालात के बारे में जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री आज 12 बजे राज्यसभा में बयान देंगे। सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति बन गई है। इससे पहले राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पिछले 6 महीने में भारत चीन सीमा पर घुसपैठ का कोई मामला सामने नहीं आया है। वहीं भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से 47 बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को यह भी बताया कि सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। वहीं खुफिया तंत्र को और मजबूत किया गया है। घुसपैठियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई भी की जा रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिर भारत को गीदड़ भभकी दी, लेकिन चीन के दुष्प्रचार पर भारतीय सेना ने पलटवार किया है। देखिए पूरी खबर एक मिनट में। चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर भारत का रुख काफी आक्रामक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर चीन को भारत के साथ सीमा समझौते का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं रक्षा मंत्री के बयान के बाद चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसकी इसी बौखलाहट का असर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में दिखा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत के रक्षा मंत्री का बयान उकसाने वाला है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि भारत कठोर रवैया अपना रहा है और दोनों देशों के बीच ये तनाव आने वाले ठंड के महीनों तक जारी रह सकता है। उसने कहा कि चीन की सेना को सर्दियों के मौसम तक गतिरोध के जारी रहने की स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन की मीडिया में भारतीय सेना की अधूरी तैयारियों के दावे वाली भ्रामक खबरें भी चलाई जा रही हैं, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी पलटवार किया है। भारतीय सेना ने कहा कि वो किसी भी स्थिति में सामरिक हालात से निपटने में पूरी तरह से तैयार है। अगर सर्दी के मौसम में जंग के हालात बने तो चीन का सामना सक्षम और सशक्त भारतीय सेना से होगा। वहीं भारत से हर मोर्चे से पर पिट रहे चीन का जासूसी कांड सामने आने के बाद भारत सरकार ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। बस 60 सेकंड्स में जानिए भारत ने चीन को क्या संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत देश के जाने माने लोगों की जासूसी करने के मामले पर भारत सरकार ने चीन से कड़ा एतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने जासूसी का मामला चीन के राजदूत के सामने उठाया। चीन ने इसके जवाब में कहा है कि झेनुआ एक निजी कंपनी है और उसने अपनी बात सार्वजनिक तौर पर सामने रखी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सरकार से लोगों के डेटा को चीन के जासूसों से बचाने की मांग की थी, जिसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें यह जानकारी दी। एलएसी पर भारत चीन तनाव के बीच जासूसी की खबरें दोनों देशों के बीच भरोसा और कमजोर करने वाली हैं। दरअसल अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कंपनी झेनुआ भारत में 10,000 लोगों की जासूसी करवा रही है। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। वहीं लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग हो रही है, लेकिन इसकी धीमी प्रक्रिया को लेकर अब आईबीएसए ने सवाल उठाए हैं। क्या है पूरी खबर देखिए एक मिनट में। आईबीएसए यानी भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार की धीमी गति पर नाखुशी जाहिर की है और इसके विस्तार को जल्द पूरा करने की मांग की है। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने साझा बयान में कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह बयान तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद जारी किया गया। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के मजबूत दावेदार हैं। अमेरिका समेत यूएनएससी के कई देश भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत भी करते रहे हैं। अब आईबीएसए ने भी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के निर्वाचन का हवाला देते हुए यूएनएससी के विस्तार की वकालत की है। आईबीएसए के बयान में कहा गया है कि भारत इस मंच पर एक मजबूत आवाज होगा और वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक नियम आधारित व्यवस्था का रक्षक बना रहेगा। हिंद महासागर में अफ्रीकी देश जिबूती के जरिए भारत ने किस तरह चीन की घेराबंदी को कमजोर किया है 60 सेकंड्स में आपको बता दें। भारत पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट से जुड़ गया है।
माना जा रहा है कि इससे हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक तौर पर भारत और मजबूत होगा। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट या जद्दा अमेंडमेंट दरअसल लाल सागर, अदन की खाड़ी और अफ्रीका के पूर्वी तट से सटे 18 सदस्य देशों का संगठन है, जिसके जरिए ये देश समंदर की चुनौतियों से निपटने की कोशिश करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 26 अगस्त को इस संगठन की डिजिटल बैठक के बाद भारत पर्यवेक्षक के रूप में इससे जुड़ा है। भारत, जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन, अमेरिका के साथ इस संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। इस संगठन से भारत ऐसे समय में जुड़ा है जब हिंद महासागर क्षेत्र में चीन अपना सैन्य प्रभाव बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास कर रहा है। अफ्रीका का ये छोटा सा देश जिबूती चीन और अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों की दिलचस्पी का केंद्र रहा है। चीन ने यहाँ अपना सैन्य अड्डा भी बना रखा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। बीजेपी पूरे देश में इसे विकास के रूप में मना रही है और सेवा सप्ताह पर इसे मनाया जा रहा है। राष्ट्र के प्रहरी, राष्ट्र के सेवक और राष्ट्र के निर्माता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी पूरे देश में सेवा सप्ताह और आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के तौर पर मना रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री के जीवन से संबंधित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 70 पेड़ लगाए। सभी कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। जयपुर में बीजेपी ने दिव्यांगों को जरूरी उपकरण बांटे। वाराणसी में बीजेपी ने स्वच्छता अभियान चलाया। यूपी सरकार में पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी भी इसमें शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म सप्ताह के मौके पर जरूरतमंद लोगों को 100 चश्मे बांटे। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगों की साजिश को लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में कौन कौन आरोपी है, बस एक मिनट में आपको पूरी खबर बताते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दिल्ली दंगों की चार्जशीट दाखिल की है। 10,000 से अधिक पेज की चार्जशीट में 15 आरोपियों के नाम हैं, जिन पर दंगे भड़काने का आरोप है। आरोपियों में खालिद सैफी, मिरान हैदर, इशरत जहां उर्फ पिंकी, सफूरा जरगर, गुलफिशा खातून उर्फ गुल, ताहिर हुसैन, शहदाब अहमद, आसिफ इकबाल तन्हा, शिफाउर रहमान, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, अतहर खान, सलीम मलिक उर्फ मुन्ना, मोहम्मद सलीम खान, तस्लीम अहमद के नाम शामिल हैं। इन सभी आरोपियों के नाम चार्जशीट में UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, IPC और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। बुधवार को दाखिल की गई चार्जशीट में उमर खालिद और शर्जिल इमाम का आरोपी के तौर पर नाम नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दोनों को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उनका नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में डाला जाएगा। और अब 60 सेकंड्स में आपको बताते हैं कि किस तरह से देश में ISIS का खतरा बढ़ रहा है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक देश के 12 राज्यों में ISIS का नेटवर्क सक्रिय है। गृह राज्य मंत्री के मुताबिक ये खुलासा NIA की जांच से हुआ है। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि NIA ने दक्षिण भारतीय राज्यों में ISIS से जुड़े लोगों पर 17 केस दर्ज किए हैं, जिनमें तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से 122 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि NIA की जांच में पता चला है कि इस्लामिक स्टेट दक्षिण के कई राज्यों के अलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक सक्रिय है। भारत में अपनी आतंकी विचारधारा की घुसपैठ के लिए ISIS के आतंकी सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अपनी कड़ी नजर बनाए हुए हैं और आरोपियों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में राजनीति भी तेज होती जा रही है। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने दीदी के बंगाल की तुलना कश्मीर से कर दी। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति का दावा किया। लॉकेट चटर्जी का कहना था कि दंगे जैसी स्थिति में भी ममता सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल खतरे में है और पुराना कश्मीर बन रहा है।
लॉकेट चटर्जी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के वक्त हुगली में दंगा हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो कोरोना टेस्ट नहीं करवाएंगे। फिर मतभेद इतने बढ़े कि 3 दिन तक दंगा हुआ। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग कोरोना टेस्ट नहीं करवाएंगे बोल के मतभेद हुआ और दंगा का रूप ले लिया। 3 दिन तक ये दंगा चला। बाहर से लोग बम इकट्ठा करके आके दंगा किया, किसी का घर लूट लिया, किसी का दुकान जला दिया। लॉकेट चटर्जी इसके लिए सीधे तौर पर TMC को जिम्मेदार ठहराती हैं। 2017 में रामनवमी का मिशेल के टाइम में ये तेलीपारा में ये ऐसा हिंसा का परिस्थिति होता है सर। TMC नेता इसमें जुड़े होते हैं सर। अगर मैं नाम ले लूं तो हम वो पार्टी मुझे बोलेगा मैं कम्युनल हूँ। अब 60 सेकंड में आप ये भी समझिए कैसे सुपर पावर अमेरिका इस समय 2 त्रासदियों से गुजर रहा है। अब आप 60 सेकंड में समझिए कि कैसे सुपर पावर अमेरिका इस समय 2 त्रासदियों से गुजर रहा है। अमेरिका का एक हिस्सा आग की लपटों में जल रहा है तो वहीं एक हिस्से में पानी मुसीबत की वजह बना हुआ है। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने से पिछले महीने कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री और फायर प्रोटेक्शन के अनुसार आग से राज्य में 32 लाख एकड़ जमीन जल गई और 4,000 स्ट्रक्चर जलकर नष्ट हो गए। सैन फ्रांसिस्को के उत्तर पूर्वी हिस्से में आग यहां रहने वाले कई समुदायों के लिए खतरा पैदा कर रही है। तेज हवाओं के साथ ये आग पर्वतीय क्षेत्र और सूखे इलाके के 25 मील क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। वहीं तूफान सैली 85 मील प्रति घंटे की हवा की गति के साथ उत्तर खाड़ी तट की ओर बढ़ रहा है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये घातक तूफान में तब्दील हो सकता है। ये तूफान के साथ बारिश और 2 फीट तक बाढ़ ला सकता है। साली तूफान के मद्देनजर लुइजियाना, मिसिसिपी और अलबामा में सोमवार को इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.